बाद हवा के हमेशा विपरीत दिशा में जाके बुझाना, और सर को आगे नहीं रखना है, सर पीछे रहेगा। एक पैर आप आगे करेंगे, एक पैर पीछे, और अपने हाथों को बचाव करेंगे और इसको ऐसे से ऐसे करके रोल कर देंगे, और थोड़ी देर बाद हटाएंगे और क्या करेंगे, रेगुलेटर को ऑफ कर देंगे, और आप किया कुछ है कुछ आगे ना। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? इसमें उतने जैसे ये आग लगी है, आप क्या करेंगे, हवा के विपरीत दिशा में जाएंगे और एक बकेट लेंगे, लेकिन बकेट सिलेंडर के नाप के होने चाहिए, ढीली या टाइट नहीं होने चाहिए, और उसको प्रेशर के साथ जाके क्या करेंगे, ऐसे मार देंगे, और थोड़ी देर बाद उसको तुरंत पिन बोलते हैं, सेफ्टी पिन को बाहर कर। जैसे सेफ्टी पिन आप हटाएंगे, ये पीछे वाला हिस्सा जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको बाहर कर लेंगे। अब ये हमारा पंच करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम आग वाले स्थान पर जाएंगे, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, और हम आग के स्थान से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि इस पर इतना प्रेशर होता है कि आप काफ़ी दूर से भी आग पे जो है पाउडर अपना पहुँचा सकते हैं। तो लगभग आग से थोड़ा दूरी बनाना है, जिससे कि हम जले भी ना, ठीक है। और आग के पास जाके आप अपने सेफ्टी पिन निकाला, पीछे वाला कैप निकाल दिया, डिस्चार्ज ट्यूब पकड़ा, और आग पे क्या साधा, निशाना लगाने के बाद आप इस हिस्से को ऐसे करके दबा देंगे, ठीक है। अब इस पे प्रेशर नहीं।